माउंटेन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो जो सबसे पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो समतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो होता है वो सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण जो होता है, समतल दर्पण के जो पीछे लेप होता है वो चांदी का किया जाता है, और जो चांदी होती है उसका सिंबल Ag होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, दो दर्पण होते हैं जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, एक तो समतल दर्पण होता है, दूसरा अवतल, दूसरा जो है ना उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जो होता है उसका सिंबल इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर की तरफ क्या होता है, चांदी का लेप होता है। तो ये जो शेप होती है वो उत्तल दर्पण की होती है। तो सीधा प्रतिबिंब दो दर्पण बनाते हैं, एक तो समतल दर्पण बनाता है और दूसरा उत्तल दर्पण बनाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो मनुष्य की जो आँख होती है उसके द्वारा हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। मनुष्य की आँख के अंदर उत्तल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल जो लेंस होता है वो किनारों से पतला होता है और बीच से मोटा होता है। किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल जो लेंस होता है मनुष्य की आँख के अंदर पाया जाता है, प्रोजेक्टर के अंदर होता है, टेलीस्कोप के अंदर होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर होता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो कैमरा के अंदर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह पूछा गया है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो एक तो उत्तल दर्पण के अंदर बनता है। उत्तल दर्पण के अंदर तो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वस्तु से छोटे होते हैं, लेकिन अवतल जो दर्पण होता है इसके अंदर 5 केस जो तो होते हैं, वो 5 केस जो होते हैं उनके अंदर वो 5 केस तो उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं और 1 केस सीधा व आभासी बनाता है। तो टोटल जो है ना 6 केस होते हैं अवतल दर्पण जो होता है इसके अंदर, टोटल 6 केस बनते हैं, जिसके अंदर 5 केस तो बनते हैं उल्टे व वास्तविक होते हैं, 1 केस आभासी व सीधा होता है। इन 6 के अंदर से 2 जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से छोटे बनते हैं। तो 2 जो प्रतिबिंब होते हैं वो वस्तु से छोटे बनते हैं। पहला केस तो होता है अगर वस्तु जो है ना अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये केस के अंदर जो है ना जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल बिंदु के समान बनता है। दूसरा केस होता है अगर वस्तु जो है ना अनंत व वक्रता के अंदर सी या 2f के मध्य रखी गई है, तो इस केस के अंदर भी जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, एक तो उत्तल दर्पण बनाता है, एक अवतल दर्पण बनाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन के कोण से छोटा होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो इनमें से जो कथन है वो हमारा आंसर रहेगा बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से होता है जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बीच में जो ना अभिलंब होता है ये IR होता है, इंसिडेंस रे आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण RR होती है। बीच में जो ना नॉर्मल होता है अभिलंब होता है, यहाँ पर जो कोण बनता है उसको एंगल I कहते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है वो एंगल R होता है। तो इंसिडेंस जो एंगल होता है आपतित कोण वो हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो जो हम घरों के अंदर प्रयोग करते हैं वो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा सीधा और आभासी वस्तु के समान बनाता है, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा होता है, लेफ्ट को जो है राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है।
तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, लेकिन अगर सिनेमा के पर्दे के ऊपर पूछे तो वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। तो समतल दर्पण पर सीधा आभासी बनता है, वस्तु के समान बनता है, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, जिसको हम आयरिस कहते हैं, आयरिस। और आयरिस का काम होता है आंख का रंग निर्धारण करने का काम होता है। पुतली, पुतली अगर हम धूप के अंदर जाते हैं तो सिकुड़ जाती है, और अगर हम अंधेरे के अंदर जाते हैं तो पुतली फैल जाती है। आंख के अंदर अगर लेंस पूछे तो हमारा आंसर रहेगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है जो किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चपटा दिखाई देता है, चपटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है। देखो इसने कहा है हमेशा, अगर हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर है तो दर्पण रहेगा समतल। कौन सा दर्पण होता है? समतल। अभी आपको बताया था पीछे कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, और पार्श्व रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। जो लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाने का काम करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो हमारा आंसर रहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो लेंस को बनाने के लिए जल का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, और कांच का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस की समता होती है। तो उत्तल लेंस जो होता है उसकी समता हमेशा पॉजिटिव में आकी जाती है। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उसकी समता हमेशा पॉजिटिव के अंदर होती है। अगर अवतल लेंस की बात करता है तो उसकी समता हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर उत्तल लेंस की समता पूछे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अवतल लेंस की समता पूछता है तो वो नेगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की समता का अस्थाई मात्रक होता है। तो लेंस की समता का अस्थाई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की समता का अस्थाई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। मीटर जो होता है वो डिस्टेंस का होता है, दूरी का होता है। तो मीटर किसका मात्रक होता है? तो ये डिस्टेंस का होता है। अगर लेंस की समता का अस्थाई मात्रक पूछे तो डायोप्टर होता है। अगर कहे धूप के चश्मे की समता होती है, अगर जो है ना कहे धूप के चश्मे की समता, तो हमारा आंसर रहेगा जीरो डायोप्टर होती है। कितनी डायोप्टर होती है? जीरो डायोप्टर होती है। और कहे उत्तल लेंस की समता हमेशा पॉजिटिव में होगी, अवतल लेंस की समता हमेशा नेगेटिव में होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो जितने भी झूठे काम होते हैं, जैसे पानी में पड़ी कोई वस्तु है उसका ऊंचा उठा दिखाई देना, पानी में कोई पड़ी हुई छड़का टेढ़ा दिखाई देना, या फिर अगर हम बात करें तारों का टिमटिमाना, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं अपवर्तन के। तो हमारा आंसर रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका रीजन क्या होता है? अपवर्तन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में जो है डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। तो अभी मैं आपको बताई थी कि जितने झूठे काम होते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना है, पानी में पड़ा हुआ सिक्का या कोई वस्तु ऊपर उठी दिखाई देती है, पानी में पड़ी हुई कोई छड़ जो है टेढ़ी दिखाई देती है, सभी का किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं, सभी प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा दर्पण का द्वारक। इस प्रकार से होता है दर्पण, ये अवतल दर्पण है जिसमें पीछे की तरफ लेप होता है, ये अम से लेकर अन्न तक है। तो अम से लेकर अन्न तक जो होता है इसको दर्पण की चौड़ाई कहते हैं, और दर्पण की जो चौड़ाई होती है
उसको हम कहते हैं द्वारक, या फिर जो है उसको हम का नाम देते हैं अपर्चर नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो जो सोलर कुकर होता है इसके अंदर हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल जो दर्पण होता है इसका प्रयोग ENT डॉक्टर के द्वारा, ईयर नोज थ्रोट, कान का, नाक का और जो गले का डॉक्टर होता है उसके द्वारा किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। डेंटिस्ट जो होता है, जो दांतों का जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाई के द्वारा, तो जो नाई के द्वारा जो प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। और जो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो भी अवतल दर्पण होता है। और कई बार क्वेश्चन देता है कि गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर, तो हमें ध्यान में रखना है कि गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर परावलीय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा, नाई के द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण, या फिर हम कहें कि गाड़ियों की हेडलाइट में, तो हमारा आंसर रहेगा परावलीय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है कि नाक कान गले, नाक कान और गले, वही आ गया ENT डॉक्टर, ENT डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट, ठीक है, कान नाक और गले के डॉक्टर के द्वारा किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक है, तो जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक होता है 2.42 का होता है। अपवर्तनांक होता है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन में माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन में माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या होता है? अपवर्तनांक। अगर हम बात करें कि निर्वात में, कि जो निर्वात होता है उसके अंदर, तो निर्वात में होता है अपवर्तनांक एक होता है, कई बार पानी का पूछता है H2O, तो पानी का होता है वो, हमारा आंसर रहेगा 4/3 होता है, 4/3 कहें या कहें 1.33 होता है, 1.33 का होता है, ठीक है, तो 4/3 या 1.33 का अपवर्तनांक पानी का होता है, निर्वात का एक होता है। अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन में माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी कोई भी कार है उसके जो है ना बीच में जो शीशा लगा हुआ होता है और जो साइड मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होता है। कार के साइड मिरर और जो मध्य में लगा शीशा होता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। इसी का प्रयोग जो है ना ATM मशीन के अंदर लगा दर्पण होता है, तो ATM मशीन के अंदर लगा दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। मेट्रो स्टेशन के ऊपर हमने देखा होगा कि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उसके अंदर, उसके स्टेशन के ऊपर एक गोल मिरर लगा होता है स्टेशन के ऊपर, तो वो भी कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। शार्प टर्न के अंदर, शार्प जो तिरो जो मोड़ होते हैं उसके अंदर भी जो है मोड़ के ऊपर जो है गोल शीशा लगा रहता है, इस प्रकार से होता है गोल शीशा, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, टॉर्च किस प्रकार के पुंज की प्राप्ति करता है? तो टॉर्च जो है ना कन्वर्ज करता है, तो संसरित प्रकाश पुंज, किस प्रकार की प्रकाश पुंज होती है? संसरित प्रकाश पुंज होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव नेत्र की रेटना पर बनने वाला प्रतिबिंब, आपको शुरुआत में बताया था कि मानव की जो आंख होती है उसके ऊपर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आंख जो होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है, जो मनुष्य है उसकी आंख कितने मेगापिक्सल की? 576 मेगापिक्सल की होती है। और जो मनुष्य की आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तले लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलेरी मसल्स के द्वारा। किसके मसल्स के द्वारा? सिलेरी मसल्स के द्वारा। ऑप्शन ए है आयरिस। आयरिस जो होती है ना वो आंख के रंग को निर्धारित करती है, किसी की आंख जो है ना ब्लू है, किसी की जो है ना ब्लैक है,
तो आँख की रंग निर्धारण करने का काम कौन करता है? आयरिस करता है। दूसरा काम क्या होता है आयरिस का? मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? आयरिस का होता है। दूसरा ऑप्शन है लेंस। तो मनुष्य की आँख के अंदर लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा प्लस में आँकी जाती है। ऑप्शन डी है कोर्निया। कोर्निया होता है मानव आँख का दान में दिया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो कोर्निया होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है? तो मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है। इसके विपरीत पूछता है कि जो है ना मानव नेत्र का दूर का बिंदु होता है तो वो अनंत होता है, व्यक्ति जो है कितनी भी दूरी तक देख सकता है। क्वेश्चन नंबर है 25, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली, आपको पीछे बताया था कि जो पुतली होती है वो अगर हम जो है ज़्यादा प्रकाश है ज़्यादा धूप है वहाँ जाते हैं तो आँख जो है हमें थोड़ी जो है बंद करनी पड़ती है, तो वहाँ पर पुतली का आकार जो है सिकुड़ जाता है। अगर हम अंधेरे कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो है पुतली फैल जाती है। तो ये करती है परिवर्ती द्वारक की बाती। परिवर्ती मतलब जो चेंज हो सके, और द्वारक आपको बताया था, द्वारक क्या होता है? मान लो इस प्रकार से आँख के अंदर ये लेंस है, ये पॉइंट अम है, ये पॉइंट अन है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है उसको हम द्वारक कहते हैं। और जो है इसके ऊपर इस प्रकार से जो है ना यहाँ पर इस प्रकार से पुतली होती है, इस प्रकार से लगी हुई पुतली होती है। तो अगर हम धूप के अंदर जाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, और अगर हम अंधेरे के अंदर जाते हैं तो वो फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत, और निकट का बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पीछे बता दिया था वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब पूछे तो वो बनता है समतल दर्पण के ऊपर। किसके ऊपर बनता है? समतल दर्पण, जिसका प्रयोग हम घरों के अंदर करते हैं। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, लेकिन सिनेमा के पर्दे ऊपर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। कौन सा जो रंग होता है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो खतरे के सिग्नल में जो है ना लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। इसको हम रखते हैं 1 kWh, किलोवाट हावर। ये हमारे घरों के अंदर जो है ना यूनिट निकालते हैं, मीटर। मीटर जो है वो यूनिट जो निकालते हैं वो किलोवाट पर हावर के अंदर होती है। एक यूनिट बराबर होती है 1 kWh पर हावर होती है, और 1 kWh हावर के अंदर 3.6 × 10^6 जूल होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 kWh हावर जो है इसके अंदर 3 × 10^6 जूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है इसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन जो होता है इसका सिंबल होता है W। विद्युत बल्ब जो है ना इसकी खोज करी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो जो विद्युत बल्ब है इसकी खोज करी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल जो होता है वो W होता है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो लगभग 3500 °C होता है। एग्जैक्ट पूछे तो वो होता है 3422 °C। विद्युत बल्ब के अंदर जो है आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है, और आर्गन जो गैस होती है वो 0.93% वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, अगर ओम पूछे तो ओम होता है प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का होता है। आर जो होता है ना प्रतिरोध, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ठीक है।
तो आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये प्रतिरोधकता पूछी है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का मात्रक होता है अकेला ओम होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होती है उसको जनरेटर कहते हैं या फिर जनित्र कहते हैं, जनरेटर, या उसको दूसरा नाम होता है डायनमो। जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के अंदर अवतल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसको जो है नजदीक की जो वस्तु होती है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है वो साफ नहीं दिखाई देती। तो इसको हम यहां से काटते हैं, निकट दृष्टि। एक बार इतना देखो कि उसके पास जो है क्या है, निकट दृष्टि, निकट की तो दृष्टि है, बाकी दोष है। निकट की तो क्या है उसके पास, दृष्टि, पास की वस्तुओं को तो वो साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु जो होती है उनको साफ नहीं देख पाता। तो निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के अंदर जो है किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। मानव की आंख के अंदर भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैमरे के अंदर उत्तल लेंस होता है, प्रोजेक्टर के अंदर उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो तेज प्रकाश में पुतली जो है सिकुड़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिर से रिपीट हो गया है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 37, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती हैं। तो अभी बताया था आपको, कितनी बात ध्यान में रखनी, दूरदृष्टि, इस दोष को काट दो। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें, दूर की दृष्टि है बाकी दोष है, तो दूर की वस्तुओं को क्या देख सकती हैं? साफ देख सकती हैं। उसके बाद में मानव नेत्र के जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं। तो मानव जो नेत्र होती है उसके अंदर दो बिंदु होते हैं, एक येल्लो स्पॉट होता है, एक ब्लैक स्पॉट होता है। तो जो बिल्कुल सुग्राही नहीं होता वो होता है अंध बिंदु। कौन सा होता है? अंध बिंदु होता है, मानव नेत्र में होता है। तो आपको इतनी बार बता दिया, मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी, उत्तल लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उदय और अस्त होते समय जो उन्हें सूर्य दिखाई देता है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसे रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। लाल रंग का दिखाई देने का रीजन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य है वो उदय व अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। जितनी भी बड़ी और प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके अगर रंग पूछे तो हमारा आंसर सीधा सा रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, समुन्दर का नीला दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, या फिर कहे कोहरे का सफ़ेद दिखाई देना, या अस्त होते व उदय होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन रहेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का होता है। कई बार हम पढ़ते हैं 4 मिनट का अंतर, तो 4 मिनट का होता है सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच में। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर भी सूर्यास्त है और यहाँ पर भी सूर्यास्त है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। तो 2 मिनट का अंतर सुबह होता है और 2 मिनट का अंतर शाम को होता है। टोटल जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, आसमान के अंदर बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो होता है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस में अपवर्तन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर है 43, अधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है?
तो कैसा दिखाई देता है? काला। कहे कई बार क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। अधिक ऊंचाई से देखें तो आकाश कैसा? काला। अगर वायुमंडल न हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो भी हमारा आंसर रहेगा काला दिखाई देता है। अगर कह दे आकाश का नीला दिखाई देना तो आंसर रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो प्रतिबिंब बनता है कहां पर? रेटिना के ऊपर बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। कोर्निया, कोर्निया मनुष्य का दान में दिया जाने वाला भाग, आंख का दान में दिया जाने वाला भाग कौन सा होता है? कोर्निया। आयरिस, आंख का रंग निर्धारित करती है और दूसरा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली, अधिक प्रकाश में जो है सिकुड़ जाती है, अंधेरे में जो है ना फैल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका मात्रक होता है टेस्ला। जो न्यूटन होता है वो होता है बल का, फोर्स का मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा, आई का मात्रक होता है। मीटर जो होता है वो डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है। न्यूटन बल का, एम्पियर जो है ना वो विद्युत धारा का, और मीटर जो होता है वो डिस्टेंस जो है ना दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे पहले जो जनरेटर बनाया गया था वो डीसी जनरेटर था। दो प्रकार के होते हैं जनरेटर, एक डीसी जनरेटर होता है, एक एसी जनरेटर होता है। तो इसका आंसर रहेगा दिष्ट धारा। तो जो शुरुआत में जो जनरेटर बनाया गया था वो डीसी जनरेटर था। तो डायनेमो से जो ना किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। लेकिन वर्तमान में जो ना दोनों प्रकार के आते हैं, एसी जनरेटर भी हैं और डीसी जनरेटर भी आते हैं। 47 है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो जो व्यावसायिक जो मोटर होती हैं इनके अंदर जो ना विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत जो चुंबक होती हैं वो अस्थायी चुंबक होती हैं, और जो अस्थायी जो चुंबक होती हैं वो नरम लोहे की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं? नरम लोहे की। ठीक है, वैद्युत चुंबक जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं, और अस्थायी जो होती हैं वो नरम लोहे की बनाई जाती हैं। स्थायी जो चुंबक होती हैं वो इस्पात की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं? इस्पात की बनाई जाती हैं। उसके बाद में 48 का क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना एक तो हृदय के अंदर और दूसरा मस्तिष्क के अंदर होता है। हृदय के अंदर और मस्तिष्क के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर है 49, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग होता है? तो अभी आपको बताया था कि विद्युत चुंबक जो होती है ना वो अस्थायी चुंबक होती हैं, और जो अस्थायी चुंबक होती हैं वो नरम लोहे की बनाई जाती हैं, और जो स्थायी चुंबक होती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं? इस्पात की बनाई जाती हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी खोज करी थी फैराडे ने। किसने खोज करी थी? फैराडे ने। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने करी थी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।